ओके, सो द टॉपिक ऑफ नंबर 13 ये है बेटा थियरी ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये वो वाला चैप्टर है। है, ये तो चैप्टर 13 है, कॉस्ट एनालिसिस वाला। हाँ जी, कॉस्ट एनालिसिस है। ठीक, 147 ठीक हो गया। तो ये 147, एक सेकेंड मैं भी निकाल लूँ। अच्छा, तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हम आज प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि कॉस्ट्स, प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट्स क्या होती हैं। देखिए, जिस तरह आपकी बुक में लिखा हुआ है सबसे पहले कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ थ्री मेन सेक्शंस ऑफ द कॉस्ट। यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट को पढ़ेंगे हम। उसके अंदर क्या होती है, इंक्लूड्स मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल की जो कॉस्ट है, रेंट कॉस्ट, वेज कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट एंड नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्रेन्योर। इसका मतलब क्या है, जितने भी आपके पास प्रोडक्शन इनपुट्स थे या जिसको कहते हैं ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें था लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, उन सबको जो पैसे आपने देने हैं, प्लस जो आप मटेरियल खरीद रहे हैं उसके जो पैसे हैं, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ये सारे प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर आएंगे। ठीक है, फिर सेलिंग कॉस्ट क्या होता है, इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग एंड सेलिंग कॉस्ट। फिर उसके बाद जब प्रोडक्ट बन जाती है तो फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है, उसकी जो है मार्केटिंग करनी होती है, ठीक है, मशहूर मशहूर त्याज्य बढ़ते हुई, और फिर उसको बेचने की जो कॉस्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल शेल्फ पे रखा है या किसी शॉप पे रखा है वगैरह वगैरह, तो वो फिर आपकी सेलिंग कॉस्ट में आ जाती है। और फिर सन्ड्री कॉस्ट क्या होती है, इट इंक्लूड्स अदर कॉस्ट सच एज इंश्योरेंस चार्जेस, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड रेट एक्सेट्रा। इसके अलावा भी जो कोई अपना प्रोड्यूसर है या जो रिटेल में अपनी चीजें बेच रहा है तो उसको फिर और भी चार्जेस होते हैं उसके, जैसे इंश्योरेंस चार्जेस हो सकते हैं, अपनी दुकान का इंश्योरेंस करे, टैक्सेस पे करे वगैरह वगैरह। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक है, फिर उसमें है एक टॉपिक की जिसमें लिखा हुआ है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट। सही है, खैर वो आगे आ जाएगा इंशाल्लाह। चलो हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं। तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, इनेबलिंग इससे आपको क्या ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, एक तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पता चलेगा, दूसरा ये पता चलेगा कि कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट हैं, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप सीखेंगे कि किस तरह से कौन सी कॉस्ट को किस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। फर्म एंड इट्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आपको पता है कि फर्म का गोल क्या होता है, मैं टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड टू मिनिमाइज द कॉस्ट। ठीक है, हर फर्म का, हर ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये होता है कि या तो हर, नॉट एवरी बट जो नॉन प्रॉफिट नहीं है उसके अलावा बात कर रही हूँ, ठीक है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जितनी भी, जिनका मकसद होता है पैसे बनाना या पैसे कमाना, उनका क्या दो मेन मकासद होते हैं, दो मेन गोल्स होते हैं। वन इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना जितना ज्यादा हो सके, और अपने कॉस्ट को, जो जो वो चीज बेच रहे हैं, जो उनकी सर्विसेज हैं उसके ऊपर जो कॉस्ट आती है, उसके ऊपर जो खर्चा आता है, उसको कम से कम करना। ठीक है, तो जो है फर्म को फिर ये डिसाइड करना पड़ता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए और हमारे जो है कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, तो उसको कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जिसमें से कि पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हम बनाएंगे क्या है एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, और उसकी क्या क्वांटिटी होगी, कितनी मकदार में बनाएंगे। ठीक है, फिर सेकेंड होता है हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या हो गया कि आपने कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है। फिर हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड कंपनसेट इट्स मैनेजर्स एंड वर्कर्स, फिर उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, और उसके जो मैनेजर हैं, जो लोग मैनेज कर रहे हैं, जिसके अंदर काम कर रहे हैं, उनको कैसे कंपनसेट करना है, या उनके जो काम का बदला उनको कैसे दे रहे हैं, ठीक है, उनको कैसे इंसेंटिव देने हैं। हाउ टू मार्केट एंड इट्स हाउ टू मार्केट एंड प्राइस इट्स प्रोडक्ट्स, आपकी प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करना है, बाहर बेचना कैसे है, और उसकी कीमत कैसे लगानी है। ठीक है, कीमत भी तो आपको डिसाइड करनी पड़ती है ना। व्हाट टू प्रोड्यूस इटसेल्फ एंड व्हाट टू बाय फ्रॉम अदर्स, अदर फर्म्स, वो खुद क्या बनाएगा और लोगों से या और फर्म से क्या चीजें खरीदेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रक बनाने की एक फर्म है या कोई बहुत बड़ी वो है, आपके पास फैक्ट्री है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो तमाम की तमाम चीजें खुद अपनी फैक्ट्री में बनाए, बहुत सारी चीजें वो बाहर से भी मंगवा सकता है, किसी और फर्म से भी मंगवा सकता है, लेकिन वो कैसे डिसाइड करे कि कौन सी चीज मैं बनाऊं और कौन सी चीज मैं ना बनाऊं, बल्कि मैं किसी और से खरीद लूं। ठीक है, तो ये सारे डिसीजन उसको लेने पड़ते हैं। ठीक, अच्छा आगे जाते हैं, ये आपके उसका नहीं है, ठीक है, मार्केट कॉन्स्ट्रेंट्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये नहीं है। चलिए ये पढ़ लेते हैं, द फर्म एंड इट्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम।
अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंटेंट्स मेजर अ फर्म्स प्रॉफिट टू इंश्योर दैट द फर्म पेज द करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स एंड टू शो इट्स, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना बता दूं, ये आपका नहीं है, ठीक है, उसको हटा दें, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, इस ग्राफ को देख लेते हैं। तो देखिए, एक तरफ आपके पास एट वन एंड आपके पास गवर्नमेंट है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास फर्म है, जो फर्म जो काम कर रही है, जो चीजें बना रही है, ऊपर जो है ओनर्स हैं, किस चीज के ओनर्स हैं, फर्म के ओनर्स भी हो सकते हैं, इनपुट के ओनर्स भी हो सकते हैं, और कस्टमर्स हैं फिर अगले एंड पे, और इस तरफ इनपुट सप्लायर्स हैं। इनपुट सप्लायर का क्या मतलब है, लैंड का जो सप्लायर होगा वो लैंड ओनर होगा, लेबर का जो ओनर होगा वो लेबर खुद भी हो सकता है या कोई लेबर यूनियन हो सकती है, लैंड लेबर, कैपिटल का जो ओनर है वो कोई इन्वेस्टर हो सकता है या कोई बैंक हो सकता है या कोई गवर्नमेंट हो सकती है जो आपको कैपिटल दे रही है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर लोग हैं, वो लोग जो कि रिस्क टेकर्स हैं, ठीक है, ये आपके पास सारे क्या है, इनपुट सप्लायर्स हो गए। इस तरफ गवर्नमेंट है, आपको तो पता है कि क्या है, और ओनर्स है दूसरी तरफ, ठीक है, जो इन सब चीजों के ओनर है फर्म के, और इस तरफ कस्टमर है, ठीक है। तो फर्म क्या करती है कि फर्म इनपुट सप्लायर से इनपुट्स लेती है, ठीक है, देखिए फर्म इनपुट सप्लायर से फर्म को इनपुट्स जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, और फिर उनको हर एक को उसकी एवज पैसे देने पड़ते हैं, लैंड के लिए रेंट देना पड़ता है और लेबर्स के लिए वेजेस देने पड़ते हैं, एंटरप्रेन्योर के लिए उसको प्रॉफिट देना पड़ता है वगैरह वगैरह, ठीक हो गया। तो यहाँ पे तो ये किस्सा खत्म हो गया कि ये इनपुट्स लेगा और ये उसको इनपुट कॉस्ट देगा फर्म, ठीक है। अब फर्म क्या करता है, फर्म जो है गवर्नमेंट से गवर्नमेंट की सर्विसेज लेता है और गवर्नमेंट की रेगुलेशंस, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की सर्विसेज क्या है कि गवर्नमेंट ने आपको रोड बना के दिया है, गवर्नमेंट ने आपको फैसिलिटेट किया है, गवर्नमेंट ने आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, आपकी सेफ्टी इंश्योर कराई है, आपको ये इंश्योर कराया है कि आप आराम से, मतलब आपकी प्रोटेक्शन है प्रॉपर्टी की, जान की, हर तरीके की, ठीक है। तो गवर्नमेंट वो सर्विसेज प्रोवाइड करे और गवर्नमेंट को फिर इसके एवज आप क्या दे रहे हैं, टैक्सेस दे रहे हैं, ठीक हो गया, ये बात भी क्लियर होगी, ये बात भी क्लियर होगी। फिर फर्म से क्या होता है ना कि फर्म के पास जब सेल्स आ जाते हैं, रेवेन्यू आ जाता है, तो वो इनपुट वाले को इनपुट कॉस्ट दे देता है, गवर्नमेंट को टैक्सेस दे देता है, और जो फिर जो उसके बाद पैसे बाकी बच जाते हैं तो वो फिर प्रॉफिट क्या होता है, आफ्टर द टैक्सेस वो ओनर्स दे लेते हैं। ओनर और क्या करते हैं, ओनर फर्म को क्या देते हैं, इनिशियल फाइनेंसिंग, मतलब शुरू में पैसे कौन देता है, स्टार्ट कौन करता है, ओनर करता है, ठीक है, इसीलिए ही इज द वन who's taking all the profit. Firm क्या करती है, firm फिर जो चीज बनाती है वो फिर लोगों को देती है as an output, ठीक है, वो football हो सकता है, वो कोई tractors हो सकते हैं, वो cars हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, doctor के sorry not doctor के services, कोई भी ऐसी चीज, सही, क्योंकि doctor के services तो firm में नहीं बनते ना, ठीक, अच्छा आउटपुट इनको दे रही है, और फिर कस्टमर्स उसको क्या देते हैं, कस्टमर्स फिर वो जब चीज खरीदते हैं तो उसके बदले पैसे देते हैं, तो वो पैसे जो है उसको रेवेन्यू कहा जाता है जो कि फर्म ले लेती है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई होगी कि क्या सिस्टम है इसका पूरा। अब दो तरह की कॉस्ट्स हैं आपको जिसका पता होना चाहिए कि एक है इम्प्लिसिट कॉस्ट, दूसरी है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है छुपा हुआ, ठीक है, और एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जाहिर, नजर आने वाला। ये आपके पास एक्सप्लिसिट है और ये आपके पास पीछे इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट कहते हैं छुपी हुई, अ कॉस्ट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। ये वो कॉस्ट है जो कि जाहिर होती है या रिप्रेजेंट करती है उस लॉस्ट अपॉर्चुनिटी को इन द यूज ऑफ कंपनीज ओन रिसोर्सेज। जब कंपनी या ओनर अपनी खुद की कोई रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है, फॉर एग्जांपल, तो उसकी वजह से उसकी जो चीजें यूज हो जाती हैं और वो किसी और जगह पे नहीं यूज हो सकती, तो ये जो अपॉर्चुनिटी लूज हो गई है, ठीक है ना, उन रिसोर्सेज के ऊपर पैसे कमाने की, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। इसको मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगी। एक एंटरप्रेन्योर, एक बंदा है, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक बंदा है, वो अपने अकेले बिजनेस का, वो खुद अकेला मालिक है और उसके साथ कोई पार्टनर्स नहीं है, उसके साथ कोई भी नहीं है, ठीक है, और वो फॉर एग्जांपल क्या कारोबार कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो कारोबार कर रहा है ड्रेस डिजाइनिंग कर रहा है, ठीक है, या कोई लड़की है, ठीक है, वो ड्रेस डिजाइनिंग कर रही है, तो ड्रेस डिजाइनिंग के लिए उसको क्या क्या चीजों की जरूरत है, उसको एक रूम की जरूरत है जहाँ पे वो बैठ के ड्रेस डिजाइन करेगी, उसको एक मशीन की जरूरत है और उसको बाकी कुछ टूल्स वगैरह की जरूरत है, तो ये वो खरीदती है या उसके पास पहले से मौजूद है, उसकी दादी ने दी या किसी ने भी दी, उसके पास पहले से मौजूद है, तो ये औरत क्या करती है कि ये जो डिजाइनर है ये तीन चार चीजें नहीं खरीदती, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास एक कमरा भी है,
खाली पड़ा हुआ था फॉर एग्जाम्पल, एक उसके पास मशीन भी पड़ी हुई थी. अब ये इन चीजों को इस्तेमाल तो कर रही है, लेकिन अगर इन चीजों को ना इस्तेमाल करती और ये ही कमरा वो रेंट पे दे देती, तो रेंट में वो जितने पैसे कमाती वो भी उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है जो कमा सकती थी इस रूम से, सही है. और वो जो मशीन इसके पास है जो ये खुद इस्तेमाल कर रही है, ठीक है, अपनी दादी की या नानी की या इसकी खुद खरीदी हुई, वो भी अगर ये किसी को चाहिए होती, किसी दर्जी को चाहिए होती, तो वो इसे ले लेता या रेंट कर लेता कि मैं आपको दिन की एक मशीन के जो है दिन के आपको मैं 10 रुपए दूंगा. तो वो भी इसने नहीं किया क्योंकि अब तो वो उसको खुद इस्तेमाल कर रही है ना. तो जो 10 रुपए महीने के इसके हाथ में नहीं आ रहे और वो किराए के पैसे जो कमरे के इसके हाथ में नहीं आ रहे, तो वो हम एक तरीके से कहते हैं कि ये भी इसकी कॉस्ट है, ये भी इसका खर्चा है. ठीक हो गया. इसका मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ. जब आप कॉलेज आते हैं, ठीक, तो आप दो काम करते हैं, एक तो अपना टाइम लगाते हैं, ठीक है, एनर्जी लगाते हैं, और आप एक फीसें भरते हैं. तो जो फीस आप भरते हैं आपको लग रहा है कि वो मेरा खर्चा है कॉलेज जाने का, ठीक है, लेकिन दरअसल आपका खर्चा उससे ज्यादा है. किस तरह से ज्यादा है? जब आप कॉलेज आते हैं, ठीक है, तो आप अपना टाइम निकाल के 6 घंटे 10 घंटे जितने 6-7 घंटे आप जब कॉलेज के लिए आते हैं, ठीक है, और इधर आप जब कॉलेज में होते हैं तो फिर आप ना जॉब कर सकते हैं कोई, और इन 5 घंटों को आप कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते, सही है. तो वो 5 घंटे आपकी एक तरीके से कॉस्ट है. उन 5 घंटों के जो पैसे आप कमा सकते थे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंक में कैशियर की नौकरी करते या आप कोई और काम करते, तो ये 5 घंटों में आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते थे, जितने भी पैसे कमा सकते थे. दैट इज एक्चुअली योर the implicit cost of your coming to college. ये वो cost जो आपकी जेब से नहीं जा रही, लेकिन आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन ये भी एक तरह का खर्चा है, ठीक है. So the best opportunity lost by the owner when it is using its own resources, जब भी अपनी चीजों को इस्तेमाल कर रहा होता है, तो जिसकी वजह से ये किसी और तरीके से इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता या रेंट नहीं कर सकता, दे नहीं सकता, तो ये जो अपॉर्चुनिटी आपसे चली गई है पैसे कमाने की, और जितने पैसे आप कमा सकते थे, ठीक है ना, बेस्ट पॉसिबल जो आपका सेकंड वो था ऑप्शन था, तो वो आपने नहीं अवेल किया, तो उसकी जो आपको पैसे मिल सकते थे वो आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाएगी. आई होप आई हैव मेड माय सेल्फ क्लियर. अब हम आते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट की तरफ. एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? अ बिजनेस एक्सपेंस दैट इज इजीली आइडेंटिफाइड एंड अकाउंटेड फॉर. एक्सप्लिसिट कॉस्ट को जो है हम लोग अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये वो कॉस्ट है जो कि अकाउंटिंग वाले स्टूडेंट्स, जिसको सारा दिन अकाउंटिंग की वो उसमें बुक में वो सारा दिन पढ़ते हैं, ठीक है, कि ये कौन सा है, पता नहीं क्या क्या डिफरेंट किस्म के हेड्स होते हैं उसके अंदर, आपके डिफरेंट कॉस्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल रेंट हो गया, फॉर एग्जाम्पल बिजली का खर्चा हो गया, चाय पानी का खर्चा हो गया, फॉर एग्जाम्पल आप लेबर को जो दे रहे हैं, तो ये सारे पैसे जो आपके जेब से निकल के आपके सामने से जाते हैं, कि मतलब आपने पैसे दिए हैं जो आपको नजर आते हैं ठोस, इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट. इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी? इसके अंदर जो आपने मटेरियल लिया उसकी चीजें, उसके पैसे आ गए. उसके बाद जो आपने फ्यूल डलवाया है अपने पास गाड़ी में, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन जो आपने जो पैसे खर्च किए हैं, और जो आपने लेबर को दिए हैं, जो आपने बिजली वाले को दिए हैं, जो आपने रेंट में दिए हैं, जो सारे पैसे आपने हाथ से दिए हैं, उसको कहेंगे हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट या अकाउंटिंग कॉस्ट. अब ये याद रखिए, जो अकाउंटिंग कॉस्ट होती है ना, अकाउंटिंग कॉस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को जो है ना ये लोग कंसिडर करते हैं. अकाउंट जो अकाउंटेंट्स होते हैं या जो अकाउंटिंग स्टूडेंट्स होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को देखते हैं कि भाई इतनी कॉस्ट थी और इतना प्रॉफिट आया, सही. लेकिन जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट दोनों को जमा करने के बाद आपको बताता है कि आपकी टोटल कॉस्ट क्या थी. तो ये याद रखें कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट हमेशा बिजनेस कॉस्ट जो है या अकाउंटिंग कॉस्ट जो है वो हमेशा कम होगी इकोनॉमिक कॉस्ट से, क्योंकि इकोनॉमिक कॉस्ट में एक्सप्लिसिट तो है ही है, साथ में इम्प्लिसिट वाली कॉस्ट भी डाल दी गई है, ठीक है. अच्छा, डिसीजन टाइम फ्रेम्स आपको मैंने बताया था कि एक शॉर्ट रन होता है, एक लॉन्ग रन होता है. शॉर्ट रन और लॉन्ग रन जो है टाइम फ्रेम्स होते हैं जिसमें द प्रोड्यूसर कैन एक्चुअली डिसाइड और कैन अचीव द डिसीजन ऑफ कैन डिसाइड कि क्या वो लैंड और लेबर को ज्यादा कर सकता है कि नहीं. इफ इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम और इफ इन द गिवन टाइम फ्रेम द प्रोड्यूसर कैन और इट हैज यू नो वेरिएबल इनपुट्स, उसके पास सारे के सारे इनपुट्स वेरिएबल है, वो चाहे लेबर को ज्यादा करे चाहे कैपिटल को ज्यादा करे, देन इट इज कॉल्ड अ लॉन्ग रन. और अगर ऐसा होता है कि उसके पास ऐसा टाइम फ्रेम है, चाहे वो 1 साल है, चाहे 10 साल है, चाहे 50 साल है, लेकिन वो उसके पास एक ना एक इनपुट ऐसा है जो कि फिक्स्ड है, जिसको वो चेंज नहीं कर सकता, तो देन दैट इज कॉल्ड शॉर्ट रन, ठीक है.
अच्छा, द शॉर्ट रन इज अ टाइम फ्रेम इन विच द क्वांटिटी ऑफ वन और मोर रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन इज फिक्स्ड, ठीक है. एटलीस्ट वन का मतलब होता है एक तो जरूर फिक्स होगा, एक से ज्यादा चीजें भी फिक्स्ड हो सकती हैं. For most of the times, the firms, for most firms, the capital calls the firms plant. Plant का मतलब है firms का plant क्या होगा? जहाँ पे उन्होंने अपनी मशीनें लगाई होती है उसको plant बोलते हैं, ठीक है? Is fixed in the short run. ज़्यादातर capital जो है वो आपका fixed होता है. Other resources used by the firm such as labor, raw materials and energy can be changed in the short run. आपको पता है वो energy को भी change कर सकता है, raw material को भी कम ज़्यादा कर सकता है, labor को भी कम ज़्यादा कर सकता है, लेकिन वो अपना पूरा का पूरा factory को double नहीं कर सकता एकदम से या आधा नहीं कर सकता, ठीक है? Plant को वो नहीं छेड़ सकता इतनी जल्दी. अच्छा, और फिर लॉन्ग रन में क्या होता है? यू नो कि इन द लॉन्ग रन इज अ टाइम फ्रेम इन विच द क्वांटिटीज ऑफ ऑल द रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द प्लांट साइज कैन बी वेरीड. सही है, ना सिर्फ ये कि वो बाकी चीजों को चेंज कर सकता है बल्कि जो प्लांट का साइज है उसको भी डबल कर सकता है, बिकॉज ही हैज अर्नड इनफ यू नो कैपिटल या ही हैज अर्नड इनफ प्रॉफिट कि वो कैपिटल और कैपिटल भी खरीद सकता है, ठीक है? अपने प्लांट का साइज डबल कर सकता है वगैरह वगैरह, जिसको एक्सपेंड होना कहते हैं, ठीक है? लॉन्ग रन डिसीजंस आर नॉट इजीली रिवर्स्ड, और लॉन्ग रन में जो आप डिसीजंस करते हैं उसको आप इतनी आसानी के साथ दोबारा उसको वापस नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते. सम कॉस्ट इज, अच्छा आप देखें क्यों आप नहीं कर सकते, ये बात बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत मजे का लिखा हुआ है. सम कॉस्ट, सम का मतलब होता है डूब जाना, सिंक, सिंक सैंक सम्क, sunking का मतलब होता है डूब, sunk का मतलब होता है डूब जाना. तो sunk cost क्या होती है? वो cost जो डूब गई, जो वापस नहीं आ सकती. A sunk cost is a cost, ये वो cost है incurred by the firm, जो कि incur होती है firm के ऊपर and cannot be changed, ये change नहीं हो सकती. For example, if a firm's plant has no resale value, for example, अगर आपने एक plant लगाया है, आपने एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा आपने फैक्ट्री लगाई है, लेकिन जब आप उसको बेचने के लिए जाएं तो आपसे कोई ना खरीदे, उसकी रीसेल वैल्यू नहीं है, तो द अमाउंट पेड फॉर इट इज अ संक कॉस्ट. तो फिर इसका क्या मतलब है? जो आपने पैसे इसके लिए दिए थे वो सारे के सारे डूब गए, वो खत्म हो गए. इसलिए जब आप लॉन्ग रन में कोई डिसीजन लेते हैं तो संक कॉस्ट की वजह से उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो डूब गए पैसे. सही, संक कॉस्ट आर इररिलेवेंट टू अ फर्म्स करंट डिसीजन. और ये याद रखें कि संक कॉस्ट जो है वो एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि मतलब वो करके भूल जाते हैं और उसके बिना पे वो डिसीजंस नहीं लेते कि अभी हमें प्राइस कितनी करनी है वगैरह वगैरह, ठीक है? आगे चलते हैं. अच्छा, शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है? देखिए, शॉर्ट रन में मैंने आपको बता दिया कि एक कुछ चीजें फिक्स्ड, कुछ फिक्स्ड होती है और कुछ वेरिएबल होती है, ठीक है? एटलीस्ट एक ना एक तो जरूर ही फिक्स्ड होती है इनपुट. तो उसका क्या मतलब है? आपके पास कौन कौन से कॉस्ट आएंगे? आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट भी आएंगे, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट भी आएंगे. वो चीजें जो कि वेरिएबल हैं, जैसे लेबर और आपके पास इनपुट्स हो गए, सॉरी रॉ मटेरियल हो गया या कुछ इस तरह की चीजें, तो वो तो आपके पास वेरिएबल है, तो उनकी कॉस्ट जो है वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी. और वो चीजें जो आपके पास फिक्स्ड है, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल, उसकी जो कॉस्ट होगी उसको फिक्स्ड कॉस्ट कहेंगे, ठीक है? सो टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट इन द शॉर्ट रन द फर्म मस्ट एम्प्लॉय मोर लेबर, क्योंकि कैपिटल को वो चेंज नहीं कर सकता, वो सिर्फ लेबर को चेंज कर सकता है इफ द फर्म वांट्स टू यू नो प्रोड्यूस मोर आउटपुट, व्हिच मींस दैट इट मस्ट इंक्रीज इट्स कॉस्ट. और जब वो एम्प्लॉय ज्यादा करेगा लेबर्स को, तो हर लेबर को पैसे देने पड़ेंगे और उससे क्या होगा, इसकी कॉस्ट्स इंक्रीज होंगी. We describe the way a firm's cost change as total product changes by using three cost concepts and three types of cost curves. अच्छा, आप कैसे इनको सीखेंगे? आपके लिए तीन चीजें समझना बड़ा जरूरी है. एक है total cost, एक है marginal cost और एक है average cost. Total cost का तो आपको पता है कि जो on the whole होती है, ठीक है? और marginal cost क्या होती है? जब आप एक extra unit use करते हैं किसी चीज का, उसकी वजह से जो जो marginal है या एक क्या कहते हैं उसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट आपके ऊपर आती है, तो उसको मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे. और एवरेज कॉस्ट क्या होती है कि फॉर एग्जांपल एक पे आपने ज्यादा पैसे लगाए, दूसरे पे कम लगाए, लेकिन जब आप दोनों का एवरेज लेंगे तो फिर आप कहेंगे ऑन एवरेज जो है हर एक पे इतने इतने पैसे आए हैं, ठीक. अच्छा, टोटल 7 कॉन्सेप्ट्स हैं. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, देखिए फिक्स्ड आ गई कॉस्ट, क्योंकि इसके अंदर कुछ फिक्स्ड इनपुट्स मौजूद हैं, इसलिए इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी मौजूद है. टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट किन की होगी? वो वेरिएबल, वो इनपुट्स जो कि वेरिएबल हैं, जैसे कि यहाँ पे लेबर है, तो लेबर की कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएगी. तो किसी भी शॉर्ट रन में काम करने वाली, प्रोड्यूस करने वाली फर्म की जो टोटल कॉस्ट होगी, जो उसका टोटल खर्चा होगा, वो दो चीजों पर मुश्तमिल होगा. टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे, ठीक है, जो उसने पैसे लेबर पे लगाए,
एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और वो पैसे जो उसने एक फिक्स्ड कैपिटल पे लगाया, फॉर एग्जाम्पल एक एक छोटी सी फैक्ट्री बनाई या उसके अंदर मशीनें लगाई या जो भी किया, ठीक है। और उसके बाद आता जाता है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का क्या मतलब होता है? एवरेज कॉस्ट आपको बताती है कि जो आपने इतनी बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस की हैं उस पर तो टोटल इतनी कॉस्ट आई है ना। फॉर एग्जाम्पल 10 बॉल्स बनाने के लिए आपकी टोटल जो खर्चा हुआ है वो 1000 रुपये हुआ है, लेकिन अगर हम ये देखना चाहें कि एक बॉल पे कितना खर्चा आया है, तो फिर हम क्या करेंगे, जितनी टोटल कॉस्ट आई है डिवाइडेड बाई जितने फुटबॉल्स बने हैं। फॉर एग्जाम्पल 1000 डिवाइड बाई 10 है ना, अगर टोटल उस पर 1000 रुपये आया खर्च और यहाँ पे 10 है, तो हर एक पे ऑलमोस्ट 100 रुपये का खर्चा आया है, ठीक। तो ये आपको एवरेज बताता है, ऑन एवरेज। अच्छा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, फिर ये एवरेज कॉस्ट जो है ये टोटल कॉस्ट में से निकला है। देखिए, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, द टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से निकला है ये, ठीक। ये अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है तो ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। वो बता रहे कि टोटल आपकी कितना खर्चा हुआ है फिक्स्ड चीजों पे, मतलब कि मशीन पे या आपकी बिल्डिंग पे, और ये आपको बता रहा है कि ऑन एवरेज जो आपके पास इस प्लांट के अंदर 10 मशीनें लगी हैं तो हर मशीन पे आपका कितना खर्चा आया, ठीक। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो आपने लगाई है टोटल डिवाइड बाय आपकी हर एक जो टोटल क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस किया, तब आपको पता चलेगा कि हर क्वांटिटी जो हर यूनिट जो आपने प्रोड्यूस किया है किसी प्रोडक्ट का, उस पे आपकी ऑन एवरेज कितना खर्चा आया फिक्स्ड कॉस्ट का, ठीक। अच्छा, ये बात मैं आपको बता दूं कि आपकी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो बढ़ती नहीं है, क्योंकि वो एक ही दफा आपने फॉर एग्जाम्पल मशीन ले ली या दो मशीनें ले ली या एक प्लांट लगा लिया, तो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ी नहीं है, ठीक है, वो फिक्स्ड ही रहेगी। तो जब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगी नहीं और क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो ये जो टोटल रेशियो है वो कम होता जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप बहुत सारी चीजें बना लेंगे तो एवरेज हर चीज पे जो आपकी एवरेज कॉस्ट आई है वो कम से कम होती जाएगी, ठीक। फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट से निकला है। अगर ये आपको टोटल बताता है तो आपको एवरेज पे बताता है कि ऑन एवरेज जो हर प्रोडक्ट आपने की जो हर क्वांटिटी आपने सॉरी एंड क्या कहते हैं यूनिट प्रोड्यूस किया है, हर यूनिट ऑफ आउटपुट पे आपका कितना ऑन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लगा है, ठीक है। फिर एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होगा, आप ऑन एवरेज देखना चाह रहे हैं कि एक चीज पे आपका कितना खर्चा आया है, ठीक है। तो हर एक चीज के अंदर एवरेज फिक्स कॉस्ट भी है और उसके ऊपर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी लगी है, तो इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो यू विल गेट एवरेज कॉस्ट। सही, जिस तरह यहाँ टोटल कॉस्ट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट है, इसी तरह एवरेज कॉस्ट में एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा, ठीक, हाँ, अच्छा, तो ये आप देखिए नजर आ रहा है आपको। अच्छा, तो इस तरह है कि टोटल कॉस्ट तो जमा होकर आएगी ना, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से और टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। तो देखिए ये आपको बता रहा है कि शुरू में जो है ना आपने मशीन और प्लांट जब लगाया तो आपकी इतने पैसे, फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट 25 रुपीज आपके, ये 50 जरा तो मैं इसको 25 कर लेती हूँ, ठीक ठीक। तो ओरिजिनली जब आपने फैक्ट्री लगाई है तो आपको 25 रुपए का या 25,000 रुपए का या 2500 डॉलर्स पर डे का आपका खर्चा, हाँ नहीं सॉरी नॉट पर डे, इसका खर्चा आया, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये फिक्स्ड है, ये स्ट्रेट है, चाहे आप एक चीज बनाएं, चाहे आप दो बनाएं, चाहे आप पांच बनाएं, चाहे आप 10 बनाएं, चाहे आप 13 बनाएं, मशीन आपकी एक ही इस्तेमाल हुई है या आपका एक ही फैक्ट्री इस्तेमाल हुई है, तो आपकी फैक्ट्री पे जो कॉस्ट आई है वो चाहे आप आउटपुट को जितना भी बढ़ा लें वो कॉन्स्टेंट रहेगी, तो ठीक है। तो वाई एक्सिस x-axis चाहे जितना भी चेंज होता रहे, आउटपुट चाहे जितनी भी इंक्रीज होती रहे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कांस्टेंट रहती है। तो देखिए इसीलिए कांस्टेंट के लिए स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब आपने कोई चीज नहीं बनाई थी तो आपके सिर्फ 25 रुपए तो खर्च हुए थे, साथ में आपकी कुछ वेरिएबल कॉस्ट में क्या चीज आती है, रॉ मटेरियल आता है, लेबर आता है, तो आपने ना कोई लेबर लगाया था ना आपने कोई रॉ मटेरियल लिया था, तो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट थी 0 रुपीज, ठीक है। उसके बाद फिर आपने पांच चीजें बनाई, तो पांच चीजें बनाए हैं तो आपने आपका जो टोटल आपका जो खर्चा आया पांच चीजें बनाने पे, कौन कौन सी चीजों पे, लेबर पे, रॉ मटेरियल पे, वो 25 रुपए आया है, देखें ये, तो फिर ये और ये आपको ये डॉट मिल गया। फिर जब आपने और चीजों को ज्यादा किया तो आपका 50 रुपए खर्चा आया, फिर आपने और लेबर को ज्यादा किया तो आपका 75 रुपए खर्चा आया, और ज्यादा किया तो आपका 100 रुपए खर्चा आया, और फिर ये, तो फिर आपने जब इनको मिलाया
तो देखिए ये ऑरिजिन से ये लाइन स्टार्ट हुई क्योंकि इनिशियली जीरो था टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता गया, देखिए जैसे जैसे ये वाई बढ़ रहा है, सॉरी एक्स बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका वाई भी बढ़ रहा है, ठीक है, ये साइड भी बढ़ रही है, तो देखिए आपका कैसे जाएगा ये ऐसे करके, ठीक है, और क्योंकि आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो ये इस तरह रहेगी। तो आपको पता चल गया कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है आपकी 25 है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी है 0, 25, 50, 75, 100, 125 वगैरह वगैरह। अब आप मुझे बताएंगे आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई है, ठीक है, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी आ गई है, तो आपको तो पता है ना कि टोटल कॉस्ट जो है कहाँ से आती है, टोटल कॉस्ट तो इन दोनों को जमा करने से आती है। तो जब चीज आप जब इन दोनों को आप जमा करेंगे 25 को और 0 को, तो देखिए दोबारा 25 आएगा, ठीक है, तो ये आपके टोटल कॉस्ट का पहला पॉइंट आ गया। फिर जब आप 50 को, सही है, और 25 को, सॉरी 25 को और 25 को, क्योंकि आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 25 है और आपके पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी 25 है, 25-25 कितने हो गए 50, तो देखिए ये आपके पास दूसरा लाइन पॉइंट आ गया। फिर क्या हुआ, तीसरी जब 10 चीजें जब आपने बनाई तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो थी 50 थी और आपकी जो टोटल कॉस्ट ऑलरेडी लगी हुई है, सॉरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वो भी 25 है, तो 25 और 50 कितने बन जाते हैं, 75 बन जाते हैं, देखें ये आ गया, ठीक है। सिंपल इस पर्पल लाइन को और ये जो ब्लू लाइन है ना नीचे वाली, इनको आप प्लस कर रहे हैं, ठीक है, ये ग्रीन और पर्पल को आप प्लस करते जाएंगे तो ये आपके पास डॉट्स आते जाएंगे। यहाँ पे जीरो था और ये 25 था, तो ये 25 आ गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया कि ये भी 25 है, ये भी 25 है, तो दोनों मिला के 50 बनते हैं, तो यहाँ 50 पे हम लोगों ने डॉट लगाया। फिर जो है आपके पास ये 50 है और ये वाला जो है 25 है, 25 और 50 कितने होते हैं, 75 होते हैं, तो फिर यहाँ आपका डॉट लग गया। फिर उसके बाद 25 प्लस आपके पास ऑलरेडी 75 है, तो 25 और 75 हो गए आपके पास 100, तो ये हो गया, और इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता। तो अगर आप देखें तो जब हम इन पॉइंट्स को इकट्ठा करते हैं, ठीक, जब आप इन सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करते हैं तो व्हाट डू यू गेट, यू गेट अ टोटल द कर्व फॉर टोटल कॉस्ट। ये देखिए लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट का कर्व, किस किस को प्लस करके आएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को। देखिए जब आपने इसका ग्राफ बनाया तो ये यहां से शुरू हुआ जहां से आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट शुरू हुई थी, ठीक है, यहां से शुरू हुआ और कहां एंड हो रहा है, ये एंड हो रहा है यहाँ पे 150 पे, ठीक है। तो कितनी चीजें बनाई हैं आपने, 15 चीजें जब बनाई हैं, तो आपकी फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कर लेती हूँ, वैसे मैंने टेढ़ा बनाया है थोड़ा सा, इसको ऐसे कर लेते हैं, अच्छा देखें टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जिसको आप नीचे लेकर आए इस पॉइंट पे आता है, ठीक है, 15 से जरा आगे है, फॉर एग्जांपल हम कहते थे 18, ठीक। तो जब आपने 18 चीजें बनाई हैं टोटल, ठीक है, आपकी फैक्ट्री में, तो आपकी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लगी थी वो थी 25 रुपए, और उसके बाद जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट लगी है मतलब लेबर के ऊपर, रॉ मटेरियल के ऊपर जो आपका खर्चा आया वो है आपका कितना, खुद आया बहुत टेढ़ा बना दिया मैंने ये, ठीक है, तो ये मुझे कहीं 125 लग रहा है, 125 लग रहा है मुझे, ठीक। तो आपका टोटल कितना खर्चा हुआ, 125 आपका ये हुआ और 25 आपका ये हुआ, तो क्या बन गया 150, देखिए ये 150 की लाइन, ठीक, समझ आ गई। 18 चीजें जब आप बना रहे हैं तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट लग रही है 25 रुपए, और उसके ऊपर जो आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है वो है आपका टोटल 125 रुपए, लेकिन क्योंकि टोटल कॉस्ट हमें मालूम करनी है तो टोटल कॉस्ट के लिए हमें इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तो 25 जमा 125 गिव्स यू 150। अब यहाँ पे एक गौर तलब बात क्या है, गौर तलब बात यहाँ पे ये यह है कि अगर आप देखें तो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम है, लेकिन एक थोड़ा सा ऊपर है, और कितना ऊपर है अगर आप देखें तो हर दफा टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में टोटल फिक्स कॉस्ट का फर्क है, ठीक हो गया, सही, यहाँ पे भी 25 का फर्क है, 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 और यहाँ पे भी 25 का फर्क है। तो टोटल कॉस्ट दरअसल टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही होती है, लेकिन उसके अंदर जब आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को प्लस कर ले, और जब आप उसको प्लस करेंगे तो वो उससे थोड़ी ऊपर चली जाएगी, लेकिन उस ही की तरह बिहेव करेगी, उसका कर्व बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही होगा, ठीक।
चलें आगे चलते हैं। अच्छा तो अगर आप देखें, ये देखिए जो सारी बातें मैंने आपको बताई है ना, ये इन्होंने आपको यही समझाया हुआ कि आप किस तरह इसको प्लस करेंगे तो आपके पास ये दूसरी वाली कॉस्ट का वो आ जाएगा। अच्छा मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिन का मतलब होता है वन एक्स्ट्रा यूनिट और इंक्रीमेंटल और ऑन मार्जिन। मार्जिन कहते हैं बिल्कुल जिस तरह वो हमारे बुक में मार्जिन होते हैं, कॉपी में मार्जिन होते हैं, तो मतलब वन एक्स्ट्रा आप लाइन बना देते हैं या कुछ उस तरह से आप इसका मतलब समझ लें, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट इज द इंक्रीज, ये वो इंक्रीज है इन टोटल कॉस्ट, आपकी टोटल कॉस्ट में वो इंक्रीज है दैट रिजल्ट्स फ्रॉम अ वन यूनिट इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। जब भी आप एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट का यूनिट बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 25 बॉल्स पहले बना रहे थे, कितने बॉल्स बना रहे थे, सॉरी 18 बॉल्स बना रहे थे, ठीक। तो आपका कितना खर्चा आ रहा था उसके ऊपर, टोटल कॉस्ट आपकी आ रही थी फॉर एग्जाम्पल 250 रुपए, ठीक। अब आपने कहा नहीं मुझे 18 नहीं, मुझे एक और बनाना है, इंक्रीमेंट आया ना, वन एक्स्ट्रा यूनिट आपने आउटपुट में इंक्रीज किया, तो आपने कहा 18 नहीं मुझे 19 बनाना है। तो अब आपका जो खर्चा आया ना वो है 250 तो पहले ही थे ना, अब आपका हो गया 275 फॉर एग्जाम्पल, 275 आपका खर्चा है। पहले आपकी टोटल कॉस्ट थी 250 इनिशियली, ठीक, शुरू में आपकी ये थी, और टोटल कॉस्ट आपकी फाइनली क्या हो गई, 275 हो गई है। तो इसमें दोनों में कितना चेंज आया है या कितना इंक्रीज आया है, इन दोनों में इंक्रीज आया है या फर्क कितना है, 25 का। तो फॉर वन एक्स्ट्रा यूनिट यू हैड टू स्पेंड हाउ मच रुपीज, 25 रुपीज। सो दिस इज कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट, ठीक हो गया। अच्छा over the output range with increasing marginal kya likha hua turns marginal cost falls as output increases। dekhiye ye aapko kya bata raha hai, aapko ye keh raha hai ki jaise jaise aapka output increase hota jata hai, theek, to waise waise jo hai aapki marginal cost kam hoti jati hai। ये कैसे, देखिए जब आप एक जोड़ा बनाते हैं, ठीक है, तो एक जोड़े के लिए आपको मशीन भी लानी पड़ेगी, आपको धागा भी लाना पड़ेगा, आपको उसके लिए वो सिलाई की चीज़ें भी लानी पड़ेंगी, वो मैयर एक टेप लाना पड़ेगा, सारी चीज़ें सीजर लाने पड़ेंगे और सारा कुछ, ठीक है। तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट एक सूट पे कितनी आई, यहाँ और कपड़ा भी लाना पड़ेगा और फिर उसको सीना भी पड़ेगा, तो इस पे सारी आपकी कॉस्ट कितनी आई, आपकी कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल आई है 10,000 रुपये। पहले जोड़े पे आपकी मार्जिनल कॉस्ट क्या आई है, 10,000 रुपये। फिर जब आप नेक्स्ट जोड़ा बनाएंगे तो नेक्स्ट जोड़े में ये तो नहीं है ना कि आपको नई मशीन लानी पड़ेगी, आपके पास मशीन ऑलरेडी पड़ी हुई है, आपके पास सारी चीजें पड़ी हुई हैं, आपकी सिर्फ जो कपड़ा आपने खरीदना है सूट बनाने के लिए सिर्फ आपकी उसकी कॉस्ट आएगी। तो इस दफा आपकी शायद कॉस्ट आएगी 1,000 क्योंकि आपने जो सूट है वो 1,000 रुपए का खरीदा है। अब अगली दफा क्या होता है कि आप अगली दफा जब दोबारा जाते हैं, ठीक है, तो इस दफा आपकी कॉस्ट और भी कम हो सकती है। किस तरह कम हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल आप उस दुकानदार को कहें यार मैं तो तुमसे हर वक्त कपड़े लेके जाती हूँ, लास्ट टाइम तुमने मुझे 1,000 का दिया था, इस दफा तुमने मुझे 800 रुपए का देना है, ठीक है। तो ये जब व्हेन यू प्रोड्यूस इन बल्क, जब आप एक नहीं बहुत सारी चीजें बनाते हैं तो आपको उसके बहुत सारे फायदे होते हैं, जिसको कहते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्केल, ठीक है। आपका स्केल जितना ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, उतना ही आपको फायदा होगा, किस लिहाज से, कॉस्ट के लिहाज से आपका खर्चा कम होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि आई थिंक वो कौन सी है, नमक मंडी है कि कौन सी जगह है, वहां पे बल्क में सामान मिलता है जिसको थोक कहते हैं, ठीक है। तो जब आप एक चीज लेने जाएंगे तो आपको महंगी पड़ेगी, लेकिन जब आप 12 चीजें लेंगे तो वो आपको सस्ता देंगे हर चीज को, ठीक है। तो जैसे 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 आप अपनी प्रोडक्शन को ज्यादा करते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपकी आउटपुट इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे जो आपकी मार्जिनल रिटर्न, आपके जो मार्जिनल वो है कॉस्ट है, वो आपकी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। ओवर द आउटपुट रेंज विद डिमिनिशिंग मार्जिनल टर्न मार्जिनल कॉस्ट राइजेस एज इनपुट इंक्रीजेस। अच्छा फिर एक टाइम आएगा ऐसा, ठीक है, कि जब आप लेबर को हायर कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, आपका मार्जिनल कॉस्ट कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है, एक टाइम आएगा बहुत कम हो जाएगा, उसके बाद अगर आपने एक्स्ट्रा लेबर को हायर करेंगे तो आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उस बंदे के आने की वजह से, क्योंकि शॉर्ट रन है ना, तो एक ही आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक ही दुकान है, उसके अंदर आप कितने लेबर को हायर कर सकते हैं, एक टाइम आएगा कि आपकी दुकान में जगह नहीं बचेगी, और उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा लेबर को हायर करेंगे तो वो आपको फायदा नहीं देगा, मार्जिनल आपका रिटर्न कम होगा, ठीक है,
और क्या होगा, आपका मार्जिनल जो कॉस्ट है वो ज्यादा होती जाएगी। अच्छा आगे नहीं जा रहा। कहाँ आ गए हम? अच्छा समझ आ गई। एक होते इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स, एक होते डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न का मतलब है कि जैसे जैसे आप ज्यादा चीजें बना रहे हैं, ठीक है, तो आपके जो रिटर्न्स हैं, जो उसके बदले में आपको पैसे मिल रहे हैं, वो ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसको बनाते जाएंगे, जब डिक्रीजिंग मार्जिन, डिमिनिशिंग मार्जिन टर्न्स, रिटर्न्स का मतलब क्या है कि जब आप बनाएंगे बनाएंगे तो एक टाइम आएगा कि आप, आपको रिटर्न तो दे रहा है लेकिन उतना रिटर्न नहीं दे रहा जितना पहले दे रहा था, तो अब आपकी जो ये मार्जिनल रिटर्न है वो डिमिनिश होना शुरू हो गया, ठीक। अच्छा अब एवरेज कॉस्ट क्या है? एवरेज कॉस्ट मेयर्स कैन बी डिराइव फ्रॉम ईच ऑफ द टोटल मेयर्स। किसी भी टोटल मेयर में से आप निकाल सकते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में से भी निकाल सकते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में से भी निकाल सकते हैं। एवरेज टोटल कॉस्ट आपकी क्या होगी? एवरेज फिक्स्ड, एवरेज कॉस्ट का मतलब यह कि किसी भी जो आपने चीजें जितनी बनाई हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 बनाई है, 12 बनाई है, तो उस पर जो आपकी टोटल कॉस्ट आई है तो वो तो सब पे आई है ना। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी एक चीज बनाने में कितनी कॉस्ट आई है, टोटल कॉस्ट, ठीक है, तो आप फिर उसका एवरेज निकालेंगे, फिर एवरेज से आपको पता चलेगा कि, और एवरेज कॉस्ट कहाँ से निकलती है आपको पता है? एवरेज कॉस्ट जो है टोटल कॉस्ट में से निकल रही है। तो टोटल कॉस्ट कौन सी दो चीजों में से निकल रही है? एक तो फिक्स्ड कॉस्ट में से निकल रही है और एक वेरिएबल कॉस्ट में से निकल रही है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा आपका ऑन एवरेज, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट ऑन एवरेज कितनी थी, और आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि ऑन एवरेज आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी। फॉर एग्जाम्पल आपको एक फुटबॉल बनाने के लिए कितना प्लांट का जो एवरेज ऑन एवरेज जो खर्चा है वो, और जो वेरिएबल लेबर का जो ऑन एवरेज खर्चा है, किसी एक चीज को बनाने के लिए जो लेबर आपने उसमें डाला है या रॉ मटेरियल डाले हैं, जो वेरिएबल चीजें हैं, तो उसका कितना खर्चा है, ठीक। दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपको क्या, आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट। तो एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक। अच्छा अभी आप यहाँ पे देखें ये क्या है, यूनिट्स ऑफ लेबर और टोटल प्रोडक्ट, उससे टोटल प्रोडक्ट कितनी बन रही है और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कितनी आई है और उसके पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई है, ठीक है। और फिर टोटल कॉस्ट आप बताते जाएंगे मुझे कि टोटल कितनी है, फिर मार्जिनल कितनी है, और फिर मार्जिनल एवरेज कॉस्ट कितनी है। तो अगर आप देखिए पहले आपका जीरो लेबर था, ठीक है, आपने कोई लेबर नहीं लगाया था, तो आपकी कोई प्रोडक्ट भी नहीं थी क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ एक मशीन खरीद ली थी फिक्स्ड कॉस्ट की 100 रुपीज की, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कि आपने एक और लेबर लगाया, तो जब आपने लेबर लगाया इस मशीन के ऊपर तो आपके पास टोटल प्रोडक्ट हो गई 6, उसने 6 फुटबॉल बना के दिया आपको, ठीक है। तो अब आपकी कितनी वो कॉस्ट आई है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये जो आपने लेबर लगाया है ना, एक लेबर की तनख्वाह थी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी 30 रुपीज, ठीक है। तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 100 भी प्लस करने हैं, ठीक, इन दोनों को प्लस करें तो क्या बनता है आपका? बनता है 130 आपकी हो गई टोटल कॉस्ट, ठीक है। और अगर मार्जिनल कॉस्ट निकालना चाहें कि ये एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने पे, यहाँ तो 6 यूनिट्स बने हैं ना, हाँ, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने पे आपके कितने पैसे आए हैं, ठीक है। तो पहले आपके 0 रुपीज थे, ठीक है, सॉरी, हाँ, पहले आपकी वेरिएबल कॉस्ट थी 0, कोई पैसे नहीं थे, लेकिन इस दफा जब आपने 6 प्रोडक्ट बनाए हैं तो आपकी कॉस्ट कितनी हो गई? 30 हो गई। तो इसका जो टोटल मार्जिनल कॉस्ट आया वो है 30, ठीक, क्योंकि 100 तो आपने ऑलरेडी लगाए हुए ना, इस दफा जो आपने एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाए हैं इस पे आपके 60 रुपए आए हैं, सॉरी 30 रुपए आए हैं। उसके बाद आपने सेकंड बनाया, सेकंड के अंदर आपके टोटल, अब दूसरा लेबर जो आपने लगाया है तो आपने, आपका जो टोटल प्रोडक्ट बनाया है वो है, बना है 10, 6 तो वो बंदा ऑलरेडी बना रहा था और 4 इसने और बना के दे दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले आप 30 रुपए दे ही रहे थे, अब आपने 50 रुपए दिए, ठीक है, आपके टोटल 50 रुपए लग रहे हैं। इसका मतलब 30 तो आप इसको दे रहे थे, 20 आपने इस नए बंदे को दिए हैं। तो अब आपकी टोटल फिक्स्ड टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? आपकी टोटल कॉस्ट हो गई 50 प्लस 100, तो आपकी अब कॉस्ट हो गई है 150, ठीक। और अब यहाँ पे जो आप इंक्रीमेंट लेकर आए हैं कितने का? 4 का, ठीक है।
तो यहाँ पे जो आपने चार एक्स्ट्रा चीजें बनाई हैं, इसमें आपकी कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आई है? पहले ऑलरेडी आपकी 30 भी ऑलरेडी लग रहे थे और 100 भी ऑलरेडी लग रहे थे, अभी 30 और 50 में आपने जो इंक्रीज लेकर आए हैं वो है सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज का। तो उसका क्या मतलब है, जो नया बंदा आया है उसको आप सिर्फ 20 रुपए दे रहे हैं, ठीक है? ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट हो गई। तो देखिये मार्जिनल कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, ठीक, डिमिनिश हो रही है। फिर इसी तरह 3 है तो ये 12 हो गया, और फिर जब आपने 12 चीजें बनाई तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपके लिए 60 रुपए, ठीक है? तो 50 तो आप ऑलरेडी दे रहे थे, इस दफा आपने 10 रुपए और एक्स्ट्रा दिए हैं, ठीक है? तो इस दफा आपकी टोटल कॉस्ट देखिए, आपकी टोटल कॉस्ट कम हो रही है, नहीं सॉरी कम नहीं हो रही, 160, हाँ ठीक है, टोटल कॉस्ट आपकी 60 रुपए भी लग गए और 100 रुपए तो ऑलरेडी लगे हुए, तो 160 रुपए हो गए। लेकिन पहले और इस दफा में कितना फर्क है, इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट कितना आया है? सिर्फ 10, सही हो गया। फिर आपने एक और लेबर को हायर किया और इस तरह, तो ये इस तरह चलता जाएगा, तो आपके पास देखें क्या आएगा। अच्छा मैंने आपको एवरेज कॉस्ट का तो बताया ही नहीं, एवरेज कॉस्ट देखें इस तरह होती है, जो आपकी टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय जितनी चीजें आपने बनाई हैं, ठीक है? इनिशियली आपकी टोटल कॉस्ट 100 थी, ठीक है, और आपने कोई चीज नहीं बनाई थी तो आपकी टोटल एवरेज कॉस्ट भी थी 100 रुपीज, ठीक है? उसके बाद क्या था, बल्कि आप ये कहेंगे कि कोई थी नहीं क्योंकि आपने कोई चीज बनाई ही नहीं है, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज 0, ठीक, या अनडिफाइंड। उसके बाद क्या हुआ कि आपने आपकी टोटल कॉस्ट कितनी लगी थी, 100 के बाद 130 हो गई थी ना, खुदाया 100 के बाद 130 होगी, तो अगर आपकी टोटल कॉस्ट 130 है और आपने चीजें कितनी बनाई हैं, 1, तो क्या मतलब है कि आपकी एवरेज कॉस्ट थी 130 रुपए, मतलब पहली चीज बनाने में आपको 130 रुपए लगे। फिर आपने दो चीजें बनाई, सॉरी आपने 10 चीजें बनाई, अच्छा ये मैंने आपको थोड़ा गलत कर दिया, ठीक है, लेबर का मैंने यहाँ 1 लिखा है, आप लिखेंगे टोटल कॉस्ट जो कि 130 रुपए है डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, टोटल क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हुई है, 6, ठीक है, तो आप इसको डिवाइड बाय 6 करेंगे, ठीक, 6 1 6 6 2 12, और यहाँ एक बच गया तो फिर आएगा 6 1 6, और फिर इस तरह चलता जाएगा, ठीक। तो 21 point something आपकी इनिशियल एवरेज कॉस्ट थी, सही। फिर इसके बाद आपकी 150 डिवाइड बाय 10, फिर 160 डिवाइड बाय 12, फिर 165 डिवाइड बाय 13, फिर 175 डिवाइड बाय 15, फिर 195 डिवाइड बाय 19 और 125 डिवाइड बाय 25 वगैरह 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 वगैरह, तो आपके पास इस तरह यहाँ पे एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा आगे नहीं जा रहा, आसमा आपको समझ आ रही है? यस मैम। अच्छा ठीक, चलो अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट का क्या मतलब है कि एक चीज बनाने पे आपकी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो एवरेज, और एवरेज आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितनी आई है, मतलब एक चीज बनाने पे जो आपका मशीन का खर्चा आया है जो जिस पे आपने इनिशियली 100 रुपए लगा दिए थे तो वो कितना है। तो आप क्या करेंगे, जितनी आपने फिक्स्ड कॉस्ट लगाई है डिवाइड बाय जितनी आपकी क्वांटिटी है, जब आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक चीज बनाने के लिए आपको कितनी फिक्स्ड कॉस्ट है, मशीन के कितने पैसे देने पड़े, ठीक है, वो आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी। फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किस तरह पता चलेगी, जो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपने लेबर को पैसे दिए हैं, मशीनरी के लिए रॉ मटेरियल आया है और बिजली का बिल दिया है वगैरह वगैरह, ये सारी आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जब ये यहाँ आ जाएगी और जब उसको क्यू पे डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो 10 या 12 चीजें मैंने बनाई हैं इस पे जो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आई थी तो एक चीज पे मेरी कितनी कॉस्ट आई है, तो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, ठीक। और जब इन दोनों को, और जब आपको एवरेज टोटल कॉस्ट चाहिए तो बहुत सिंपल है, टोटल कॉस्ट के लिए आप टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट के लिए आपको टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, मतलब कि अगर सब चीजों पे मिला के मेरी इतने पैसे आए हैं, टोटल कॉस्ट आई है टीसी, तो मेरी एक चीज बनाने पे मेरे कितना खर्चा आया, तो आप इसको इस पे जब डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी पे तो यू विल गेट एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक। अच्छा शॉर्ट टर्म कॉस्ट,
ये कहाँ से आ गया इसके अंदर, क्या कह रहा है, आई थिंक इसको हम स्किप कर देते हैं। जो आपकी बुक में है ना, बस आप उसी पे ध्यान देना, ठीक। आगे नहीं जा रहा। ठीक है, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन सी चीज की कीमतें कौन कौन सी हैं, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स प्रोडक्शन की कौन कौन सी कीमतें हैं। तो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ला 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 ला, ये भी आप इसको छोड़ दें, पढ़ लें, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको समझ रहा है। इन द लॉन्ग रन, अच्छा अभी हमने शॉर्ट रन कॉस्ट पढ़ी थी और अब लॉन्ग रन की तरफ आएंगे, क्योंकि लॉन्ग रन में कोई भी फिक्स्ड चीज नहीं होती, इसीलिए इसमें फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं। तो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वही टोटल कॉस्ट है, ठीक है। जो आपका मशीन पे, लेबर पे, रॉ मटेरियल पे जो सारा खर्चा है वो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है ना। तो क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो है ही नहीं, टोटल कॉस्ट आपकी वही टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही है, ठीक है। तो इन द लॉन्ग रन ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, यू नो, एंड सो द कॉस्ट आर वेरिएबल ओनली। सो द प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है वो तो आपको मैं बता चुकी हूँ। द बिहेवियर ऑफ लॉन्ग रन कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन द फर्म प्रोडक्शन फंक्शन, जो लॉन्ग रन जो कॉस्ट है उनका बिहेवियर कैसा होगा, मतलब बिहेवियर पे यहाँ पे का यहाँ पे क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि उसकी शेप कैसी होगी, वो किस तरह से दूसरे के साथ रिलेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह पहले टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के ग्राफ्स बिल्कुल एक साथ चल रहे थे विद द डिफरेंस ऑफ 25, दैट वॉज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे बहुत डिपेंड करता है लॉन्ग रन का जो कि जो कॉस्ट की जो शेप है या उसका बिहेवियर, वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्शन फंक्शन कैसा है, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन में बता चुकी हूँ आप लोगों को द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है, और वो भी वाला रिलेशनशिप जो कि सबसे इफेक्टिव या इफेक्टिवली एफिशिएंट होगा, जिसमें कोई चीज वेस्ट नहीं होगी। तो फर्म्स प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मैक्सिमम आउटपुट, हाँ। तो इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट अटेनेबल, जो कि आप ज्यादा से ज्यादा जो आउटपुट निकाल सकते हैं, एंड क्वांटिटीज ऑफ बोथ कैपिटल एंड लेबर, जो आपने जो आपके पास लेबर है और जो आपके पास कैपिटल, उसमें से आप जो मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ आउटपुट निकाल सकते हैं, तो इन दोनों का रिलेशनशिप आपको कौन क्या बताता है, ये आपको प्रोडक्शन फंक्शन बताता है। अच्छा ठीक, तो देखिए आपके पास लॉन्ग रन में क्या है, आपके पास एक प्लांट नहीं है बल्कि ज्यादा प्लांट्स हैं। प्लांट्स का मतलब है फैक्ट्रीज है, ठीक है। तो आपके पास लेबर भी चेंज हो रहा है, आपके पास प्लांट्स भी बहुत सारे हैं, प्लांट वन, प्लांट टू, प्लांट थ्री एंड प्लांट फोर। फिर आपने वर्कर्स पर डे, इस पे एक वर्कर लगाया प्लांट वन पे, ठीक है। फिर प्लांट टू पे टू लगाए, प्लांट थ्री पे इतने लगाए, प्लांट फोर पे इतने लगाए, प्लांट फाइव पे इतने लगाए। फिर ये प्लांट्स जो है आपको बता रहे हैं कि हर ये वाला साइड आपको बता रहा है कि हर प्लांट पे कितना आउटपुट हुआ, ठीक है। आउटपुट का मतलब कितनी चीजें बनी। तो जब इसे एक लेबर लगाया, प्लांट वन पे चार चीजें बनाई गई, प्लांट टू पे 10 चीजें बनाई गई, प्लांट थ्री पे 13 बनाई गई और प्लांट फोर पे 15 बनाई गई। अब जब उसने दो लेबर्स लगाए तो प्लांट वन पे 10, प्लांट टू पे 15, 18 और 20, इसी तरह ये बढ़ता गया, सही है। हर एक के साथ साथ हर जैसे जैसे आप लेबर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका जो प्लांट का प्रोडक्शन है वो देखिए बढ़ रहा है, 4 से 10, 10 से 13, 13 से 15, 15 से 16। जैसे जैसे लेबर बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ रही है। इसी तरह यहाँ पे आप देखें आउटपुट किस तरह बढ़ रहा है, 10 था, 15 था, फिर 18 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 21 हुआ, ठीक। फिर इसी तरह प्लांट थ्री पे 13, 18, 22, 24, 25, फिर 15, 20, ये सारे क्या हो रहे हैं, एज द नंबर ऑफ वर्कर्स आर इंक्रीजिंग, एज द नंबर ऑफ लेबर्स आर इंक्रीजिंग, सो इज देयर इज एन इंक्रीज इन द आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। अब इसको हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसके पहले इसको ब्रेक करते हैं, ठीक। डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होता हुआ, मार्जिनल का मतलब होता है जब आप एक एक्स्ट्रा आउटपुट बनाते हैं या आप एक एक्स्ट्रा इनपुट लगाते हैं तो उसको मार्जिनल बोलते हैं, ठीक। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि जो कम होती होती आपकी जो प्रोडक्ट कम होती जा रही है हर दफा, किस चीज के साथ, विद कैपिटल,
फॉर कैपिटल, ठीक है। जो पहले आपने कैपिटल लगाया था तो पहले उससे आपको ज्यादा प्रोडक्ट आ रही थी, फिर जो आपने एक और कैपिटल का आपने कहा कि मैं एक और प्लांट लगा लेता हूँ तो फिर आपका जो है प्रोडक्ट थोड़ा और कम हो गया, फिर आपने कहा मैं एक और प्लांट लगा लेता हूँ तो आपका थोड़ा प्रोडक्ट और कम हो गया, इसको डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट कहेंगे। अब क्या है द मार्जिनल प्रोडक्ट प्रोडक्शन, क्या लिखा हुआ है, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इंक्रीज इन आउटपुट। ये क्या है, ये है वो इंक्रीज आपके आउटपुट में, मतलब जो चीजें आपने बनाई हैं उसमें जो इंक्रीज आया रिजल्टिंग फ्रॉम किस चीज से, फ्रॉम अ वन यूनिट एक्स्ट्रा और अ वन यूनिट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। जो आपने कैपिटल लगाया था जब आप उसके अंदर एक यूनिट और बढ़ा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पहले एक प्लांट था, अब आपने प्लांट नंबर टू लगा दिया, उसकी वजह से जो आपने सेकंड प्लांट लगाने की वजह से जो आपके पास इंक्रीज आया है आपके आउटपुट में, होल्डिंग कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयड, जब आप बाकी क्या चीजों को क्या किया हुआ आपने, बाकी सब चीजों को कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है, लेबर को सब चीजों को कांस्टेंट रखा हुआ है, सिर्फ आपने कैपिटल को बढ़ाया है। तो जब आप कैपिटल को बढ़ाएंगे उसकी वजह से जो आपका इंक्रीज आएगा प्रोडक्शन में, तो आपको असल में पता चलेगा ना कि आपके कैपिटल लगाने की वजह से आपको कितना नफा हो रहा है या कितनी चीजें प्रोडक्शन में इंक्रीज आ रहे हैं, तो दैट वुड बी कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। अब इसको डिमिनिशिंग क्यों कह रहे हैं देख लेते हैं आगे। अ फर्म प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट्स डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स टू लेबर। जब भी आप किसी फर्म के प्रोडक्शन फंक्शन को देखेंगे तो आपको उसके अंदर क्या चीज मिलेगी, एग्जिबिट करती हुई मिलेगी या मौजूद मिलेगी कि देर आर मार्जिनल रिटर्न्स टू लेबर, कि जैसे जैसे आप लेबर को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, किसी एक खास प्लांट ऑन अ गिवन प्लांट, मतलब एक फिक्स प्लांट है, तो जैसे जैसे आप लेबर को बढ़ा रहे हैं तो आपके जो रिटर्न्स हैंगे, जो आपकी प्रोडक्शन है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, एज वेल एज डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स टू कैपिटल। इसी तरह अगर आप लेबर को चेंज ना करें और मशीनें लगाते जाएं, तब भी एक मशीन से दूसरी मशीन लगाने से शायद आपका थोड़ा सा फायदा हो जाए, लेकिन तीसरी चौथी पांचवी जब आप लगाएंगे तो आपके पास फिर जगह ही, आपके पास उस मशीन को चलाने वाला कोई लेबर ही नहीं होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि चाहे आप लेबर को चेंज करें और आपने मशीन को फिक्स रखा हो, या फिर आप मशीन को इंक्रीज करते जाए लेबर को आपने फिक्स रखा हो, तो दोनों सूरतों में अगर दोनों एक साथ बढ़ेंगे नहीं तो एक खास हद पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स शुरू हो जाएंगे, उस चीज का फायदा खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेबर एक है और आप मशीनों की मशीनें लगा दें तो क्या फायदा, उस मशीन लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। हर एक मशीन के लिए एटलीस्ट आपको दो या तीन लेबर अगर चाहिए तो हर मशीन के आगे इतने लेबर्स होने चाहिए, सही, अकेली मशीन खुद प्रोडक्शन नहीं कर सकती। इसी तरह अगर लेबर है, मशीन आपने एक रखी हुई है, लेबर आप उस पर हायर करते जा रहे हैं तो एक टाइम आएगा कि वो मशीन की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी एक खास हद पे पहुंच के। फॉर एग्जाम्पल पहला लेबर जब आपने लगाया तो आपको दो तीन चीजें मिली, जब आपने दूसरा लेबर लगाया तो आपको 10 चीजें मिली, तो आपको क्या पता चला कि ये मशीन ज्यादा कंपेटेबल है एक के बजाय दो लेबर्स के साथ, और जब आपने तीसरा लेबर लगाया तो वो मशीन ने आपको और भी ज्यादा प्रोडक्शन दी, ठीक है, क्योंकि शायद उस मशीन में तीन लोगों का काम जरूरी या फिर तीन लोगों की जगह थी, काम करने की कैपेसिटी थी, ठीक है, तो तीन लोग जैसे आपने लगाए वहां पर लेबर तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई बहुत ज्यादा, आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो आ गई फॉर एग्जाम्पल 25। अब आपने कहा कि यार ये तो बहुत अच्छा है, ये तो कंपेटेबल है एक मशीन के साथ तीन लोग हों तो बहुत अच्छा है। फिर आपने कहा कि ऐसा करता हूँ मैं एक लेबर और बढ़ा के देखता हूँ, तो जैसे आपने लेबर बढ़ाया तो आपके लेबर की उसमें जगह ही नहीं थी उस मशीन में, ठीक है, तो क्या हो गया, पहले 25 बना रहे थे, अब इसे एक लेबर के आने की वजह से आपका सारा प्रोसेस डिस्टर्ब हो गया और उसमें आपने उसको पैसे भी दे दिए और उसने कुछ काम भी नहीं किया, तो आपकी जो टोटल प्रोडक्ट बन रही थी 25 रुपए की, अब वो आपकी बन रही है फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए की। तो आपको पता चल गया कि थ्री लेबर्स आर कंपैटिबल विद वन मशीन, एंड इफ यू वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ लेबर्स देन यू शुड आल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ मशीन्स और द नंबर ऑफ कैपिटल और द यूनिट्स ऑफ कैपिटल, एंड इफ यू आर ओनली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कैपिटल, यू आर ओनली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मशीन्स दैट यू हैव एंड यू आर नॉट हायरिंग एनी एम्प्लॉय, आपने कोई एम्प्लॉय हायर नहीं किया उसको चलाने के लिए, तो भी आपका पैसा वेस्ट है, वो तब भी काम नहीं करेगा। सो फॉर ईच प्लांट, हर प्लांट के लिए डिमिनिशिंग मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्रिएट्स सेट ऑफ शॉर्ट रन यू शेप कॉस्ट कर्व्स। तो देखिए आपको पता है कि शॉर्ट रन जो है इस तरह बहुत सारी, मेरे ख्याल में आगे बना होगा, ठीक, ये बना हुआ है, सही, अच्छा, तो एवरेज टोटल कॉस्ट वन, आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आई थी, इज द एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व फॉर अ प्लांट वन विद वन निटिंग मशीन। जब आपने एक प्लांट पे सिर्फ एक निटिंग मशीन लगाई तो आपका टोटल कॉस्ट उस निटिंग मशीन के जितने पैसे हैं वो आ गए, ठीक है,
तो ये आपका कॉस्ट का कर्व आ गया है. पहले आपकी कॉस्ट डिक्रीज होती है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे आप लोगों के आउटपुट बढ़ाते जाते हैं तो एक टाइम आता है, एक खास टाइम आता है कि आपकी आउटपुट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, आपको पैसा और खर्च करना पड़ेगा. फिर आपने क्या किया है, आपने एक और उस प्लांट में एक और निटिंग मशीन लगाई है, तो आपका एक और एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व आ गया, लेकिन ये शॉर्ट रन का है, ठीक है. फिर तीसरा आ गया, आपने तीसरी मशीन लगाई, फिर चौथी मशीन लगाई, पांचवी, सॉरी अच्छा चार आपने मशीनें लगा ली, तो अब आपका ये सारे शॉर्ट रन के वो हैं, ठीक है. लेकिन आपके पास क्या आ गया, आपके पास एक ये पॉइंट आ गया, आपके पास एक ये पॉइंट आ गया, आपके पास एक ये पॉइंट आ गया. जब आप इन सारों को मिला लेंगे ना, तो ये आपके पास लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व बन जाएगा, ठीक है. क्योंकि ये सारे शॉर्ट रन मिलके ही तो लॉन्ग रन बनाते हैं ना. पहले आपके पास एक मशीन थी, फिर आपने अपना प्लांट बढ़ा लिया तो आपके पास दो हो गई, फिर आपके पास तीन मशीनें हो गई, उसके बाद आपके पास चार मशीनें हो गई. तो अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो ये दरअसल एक लंबा अरसा है जिसमें आपने मशीनों की तादाद को चेंज किया है, ठीक है. तो ये सारा मिला के आपके पास क्या हो जाएगा, लॉन्ग रन हो जाएगा. अच्छा हम आगे जाते हैं. मैम इतना सही है, कल पढ़ा इतना सही है. यस चलो सही है, ठीक है.